we're finally here in Shimla और almost पहुँच गए हैं. Actually हमारा होटल जो है वो शिमला से थोड़ा सा दूर कुफरी में है. तो कुफरी शिमला हमने क्रॉस कर लिया मॉल रोड वगैरह और कुफरी हम पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में. सुबह 4:30 पे निकले थे हम लोग मनाली से और अभी तक पहुँच ही रहे हैं. फाइनली वी अराइव्ड. पता नहीं कौन से हिल के एकदम टॉप पे हमारा होटल है और यहाँ बर्फ ही बर्फ पूरी. ये परसों की बर्फ है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है ये होटल. ये परसों की बर्फ अभी तक पड़ी हुई है. परसों स्नोफॉल हुआ था शिमला में जब हम लोग मनाली में थे. वो रहा मेरा कॉटेज. इसमें दो रूम ऊपर है और एक रूम नीचे है और मेरे पापा से बोला है कि मेरे को गार्डन व्यू वाला रूम चाहिए. अब देखो मेरे को मिला है कि नहीं. पापा तो आप मेरे को कौन सा रूम दे रहे हो? रूम ले लो. नहीं मैंने ब्लॉग पे भी बोला है मैं गार्डन वाला रूम लूंगा. तो गार्डन वाला जा रहे हैं अपने कमरे. तो हम आ गए अपने रूम और ये है बालकनी. पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है और ये माउंटेन्स बालकनी. होटल इज मतलब ये जो रूम्स हैं ये बहुत अच्छे बहुत सेक्सी के रूम्स हैं. I'm out of words right now, but if you're looking for a peaceful and मतलब shopping नहीं करनी है बस आराम से बैठना है एक जगह पे और मस्ती से time spend करना है तो this is the place. It's not Shimla, it's Kufri. और Kufri पे भी बहुत height पे जाके ये hotel है. मतलब हमें तो एक time पे लगा था कि maps में ही गलत दिखा रहा है but जितनी मेहनत लगी इस होटल तक पहुंचने में इट वॉज ऑल वर्थ इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यू. हिमालयन रेंज. चीयर्स. सो मैं खाना खा रहा था मतलब स्नैक्स खा रहा था व्हेन आई रियलाइज्ड दैट द व्यू राइट नाउ इज अमेजिंग. सो लेट मी शो यू द व्यू. ये देखो बर्फ तो पड़ी हुई है यहाँ पे बट वॉट वी वॉन्ट इज अ स्नोफॉल बिकॉज स्नोफॉल इज समथिंग विच यू नेवर वॉन्ट मिस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. वी वर लकी इनफ कि हमारे मनाली में एंट्री होते ही स्नोफॉल हो गया एंड आवर ट्रिप इज कमिंग टू एन एंड सो वी वॉन्ट इट टू एंड ऑन अ हैप्पी नोट. सो होपफुली स्नोफॉल हो जाएगा रात को. सो वी आर ऑन आवर वे टू हैव आवर डिनर और 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर इज द प्लेस वेयर वी वांट टू गो. तो वहाँ पे जाएंगे पर मेन बात अभी ठंड बहुत लग रही है. इट्स 2 degrees Celsius राइट नाउ व्हिच आई गेट जस्ट अभी और सी यू डाउनस्टेयर्स. चलो. सो वी आर एट द मॉल रोड और मेरे को ये नहीं पता था. पापा ने मेरे को बताया. पापा Yes. हम कैसे जाएंगे मॉल रोड? लुक देयर. हाँ बताओ. हम लोग लिफ्ट से जाएंगे मॉल रोड. तो लिफ्ट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी. ऊपर जाएगी तो हम लोग लिफ्ट से ऊपर जाएंगे. ऊपर जाएंगे ना? Of course. तो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे. सो द टिकट प्राइस इज 10 rupees पर पर्सन एंड इफ यू हैव एनी लगेज देन इट्स एक्स्ट्रा 10 rupees एंड टिकट फॉर सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रेन अबव 3 years इज फॉर 7 rupees एंड सो वी आर हेयर एट द मॉल और ये है होटल कंबरमेयर का कैफे है SOL सॉल करके कुछ और एज यूजल टिबेटन मार्केट. नथिंग स्पेशल. हर मॉल रोड का अपनी स्पेशलिटी होती है. अच्छा मेरे को नहीं लगा था कि इतना मतलब ऐसे ब्यूटी टाइप्स मिलेगी किसी मॉल रोड में क्योंकि यहाँ का मॉल रोड काफ़ी अच्छा है. काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी लंबा भी है. सो हम डिनर करने आए हैं मॉल रोड पे
ला पिनियोज पिज्जा पे। चल जल्दी, और हमने मंगवाया अभी पेपरोनी पिज्जा, पहले उसको ट्राई करेंगे, अच्छा लगा तो और खाएंगे। अच्छा, रात को घूमने का यहाँ अलग ही मजा है क्योंकि भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। शॉप्स बंद हो गई हैं काफ़ी, बट शॉप से मतलब तो है नहीं वैसे भी, तो काफ़ी अच्छा मतलब ऐसे सैनिक ब्यूटी जिसको कहते हैं वो मिल रही है यहाँ पर। एक मिनट। सो वी आर हेडिंग बैक टू वेयर आर कार इज। तो लौटते वक्त क्योंकि हमें लेट हो गया था इसलिए लिफ्ट बंद हो गई थी, तो जो लिफ्ट वाला स्पॉट था जहाँ से हमने एंट्री ली थी उससे 200 मीटर आगे चल के RBL बैंक है, जिसके बगल ही में स्टेयर्स गई हुई है। इट्स अ डाउनहिल स्लोप, तो उससे वी आर रिटर्निंग। अपेरेंटली इट्स अ शॉर्टकट विच डजंट सीम सो शॉर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट केम बैक फ्रॉम हैविंग माय ब्रेकफास्ट, और अब प्लान बनाया कि वापस से एक बार मॉल रोड जाएंगे क्योंकि यहाँ का मॉल रोड बहुत ज़्यादा लैविश है। जब तक मॉल रोड नहीं जा रहे हैं, मतलब जब तक सब तैयार हुए, तब तक आई थॉट कि क्यों ना व्यू का मज़ा ले लिया जाए, और ठंड में तो धूप और ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरी धूप 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 धूप, ये बेंच एंड सामने हिमालयस, बेस्ट पार्ट। सो वी आर गोइंग टू मॉल रोड राइट नाउ। नहा धो के अच्छे बच्चे बन चुके हैं हम, और हमें अभी अभी पता चला है कि यहाँ पे जिमी शेरगिल भी आया है, तो मिलने की पूरी मेहनत रहेगी कि रोजर स्टेट्यू पे उसका भी एक हो जाए, मतलब यू नो, समझ ही गए हो। तो अगर मिले उससे तो डालेंगे वीडियो, वरना नहीं। यहाँ पे हमने कल देखा था चीज़ बर्गर्स ऐसे नॉर्मल स्टॉल्स पे अच्छे से दिख रहे थे, तो आज वैसा कोई मतलब ऐसे स्टॉल फूड खाना है, ऐसी कोई पर्टिकुलर डेलिकेसी नहीं खानी, बट कुछ अच्छा सा स्टॉल फूड खाना है। कल हम लोगों ने डोमिनोज से खाया था क्योंकि हमें उस बेकरी का फूड अच्छा नहीं लगा था। तो शर्ली, पहली डेलिकेसी हम लोग क्या खा रहे हैं? मखनी पाए। लास्ट डे, फ्यू आवर्स लेफ्ट इन शिमला, नहीं लेफ्ट ऑन मॉल रोड। तो हमें खाना है चीज केक, तो चीज केक ढूंढते हम कहीं तो पहुंचे हैं एम्बेसी आइसक्रीम शिमला, जिससे हमें उम्मीद है कि हमें चीज केक मिलेगा। So, the bakery's name is Embassy Ice Cream, Embassy Shimla. काफ़ी पुरानी बेकरी है, back from Mall Road as well. और इसी के साथ हमारी यहाँ की जर्नी ख़त्म होती है। कल सुबह 8 बजे हम लोग निकलेंगे back to home, and I'll meet you there.